हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज ब्लॉगिंग फिर से, और इस साइड से फेस करूं तो ये रोशनी आती है तो साफ नहीं आता है, और ऐसे कर लो ना तो तुमसे मस्त क्लियर सा आता है। अच्छे, ये हमारे, ये भी शैतान और इसके साथ ये भी शैतान, है ना? लड़ाई कैसे करते हैं नित्या? हाँ, तो ये बिल्कुल रेडी बैठा है जाने के लिए। इसको यहाँ पर अब बहुत बुरा लगने लगा है, बोर होने लगा है, इसका मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है मन? कैमरे के सामने नहीं बोलना है, और ना इसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। तो ये जाने के लिए बहुत परेशान है कि जल्दी जाना है, इसलिए मैं 2-3 दिन पहले ही जा रही हूँ, वरना 2-3 दिन बाद जाने वाली थी। इनको छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी तो ये बोल रहे थे 2-3 दिन बाद ही जाएंगे, बट इसका मन नहीं लग रहा है, इसको जाना है घर पे। तो फिर वो सोचा कि चलो साथ ही जाते हैं। सो अभी मेरी आज ट्रेन है रात में 10 बजे, तो आज मैं पैकिंग कर रही हूँ और मैं जल्दी जल्दी से खाना भी बनाऊंगी। अभी शाम हो गई है, मेरा देखो 4 बज गया है, 4 बजे मैंने पैकिंग की है और पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है, थोड़ी बहुत रह गई है क्योंकि अभी मैं काफ़ी दिनों के लिए जाने वाली हूँ, तो काफ़ी सारा सामान मुझे पैक करना है। और उसके अलावा छोटा छोटा, अब बोलो बस इतना ही का था। सो, अभी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, जो भी मेरे पास पड़ा है उसको वो खाना बनाऊंगी। आज पालक पड़ी है तो, और पनीर भी पड़ा है, तो दो पालक पनीर की अच्छी टेस्टी टेस्टी सी सब्जी बना पालक पनीर खा के जाएंगे। और मुझे जो जो भी इसके खाने का पैक करना है वो भी मैं, तुम कुछ खाओगी? तुम्हारे लिए क्या ले चले? अब क्योंकि उसने फीड करना बंद, लेना बंद कर दिया है ना, तो ये बाहर का पूरा दिन खाती है, मतलब बाहर का नहीं, जो भी बना दो घर में वो सारा कुछ दिन भर खाती रहती है। तो अब ये टेंशन है कि इसको भी कुछ खा के पैक करके ले जा। मम्मा मम्मा बोलो, मम्मा नहीं बोलोगी? हमें नहीं खाना है, आप ही खा लो। हम थोड़ा बहुत देते रहते हैं अभी, वैसे तो बाहर का नहीं देना चाहिए, बट अभी जस्ट फीड बंद किया है ना, तो अभी उसे इतनी ज़्यादा खाने की आदत नहीं है, तो थोड़ा बहुत बिस्किट हुए, डाइजेस्टिव बिस्किट हुए, बच्चों वाले बिस्किट हुए, ये सारा दे देते हैं। थोड़ा थोड़ा दिन भर में कुछ ना कुछ खाती रहती है। और इसके अलावा अब मैं जा रही हूँ किचन में थोड़ा बहुत काम करने के लिए, और अभी पैकिंग करूंगी। थोड़ा बहुत मैंने बैग निकाल के रख दिया है और कुछ सामान इसमें निकाल दिया है, अभी कुछ कुछ रखना है, तो चलो पहले पैकिंग कर लेते हैं आप ही के साथ मिलके, उसके बाद जाएंगे किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि सब कुछ खाली करके जाएंगे यहाँ ना रहे, और ये जब बाद में आए तो सब कुछ इन्हें साफ सुथरा मिले। हाँ, मैं मोबाइल में ब्लॉगिंग करती हूँ, देखो। सो चलो जो साड़ी थी ना, इसका ब्लाउज नहीं सिला था, ये देखो, इसको मैं ना वापस लेके जाऊंगी ब्लाउज सिलवाने के लिए। ये साड़ी भी साथ में लेके जाएंगे, तो इसको एक मैंने रख लिया मेरे पास। अभी वो पैकिंग वाली जो होती है ना किट्स, वो नहीं है, मैं सोच रही हूँ इस बार ले लूंगी, जो भी जो ट्रैवलिंग पैकेजिंग के लिए होती है तो उसमें लूंगी। और ये मेरे कपड़े रखे हैं क्योंकि मैं ससुराल जाऊंगी, तो ये सब तो मैं नहीं पहनती, साड़ी पहनती, वो यहाँ नहीं है, वो वहीं पर रहेगी, बट जो मुझे और कपड़े लेने हैं वो जो भी देखने। अब सर्दियाँ हैं क्योंकि, तो सर्दियों के स्वेटर भी मैंने इस तरह से पैक कर लिए, ये विद्या का है, ये है, और जैकेट भी रखनी है उसके लिए, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं सर्दियों के लिए, लग जाएगी, गिर जाएगा वो। तो ये भी मैंने पैक कर लिया, और ये इस वाली इस तरह की किट में पूजा के सारे सामान मैंने पैक कर रखे हैं। अभी कुछ तो मैंने पैक कर लिया है, कुछ निकले हुए रखे हैं, तो वो भी धीरे धीरे रखते जाएंगे। लोबर स्वेटर टी शर्ट्स देरी के सारा रुपया का हो जाता है सबसे ज्यादा, तो सामान भी इसमें है,
सारा एक ही बैग, ये काफी बड़ा बैग है ना, इसमें सारा सामान पैक कर लेंगे। और मेकअप अब मैं ज्यादा लेके नहीं जाऊंगी, जो नॉर्मल सा सामान है मेरा, लिपस्टिक, रिबन, क्लिप्स, यही सारा सामान मैंने इस तरह के पाउच में रख दिया है। और इसमें ये आधी जगह दीता के कपड़ों ने ले ली है और आधी जगह मेरे कपड़ों ने ले ली है। इस बैग में पतिदेव के कपड़ों का कोई काम नहीं है, मैं अपने साथ ही साथ पैक नहीं करती हूँ, सब अलग अलग करती हूँ। और ये है कुछ क्लच, जिसमें से ये वाला कुछ भी नहीं पड़ा, ये देखो पुराने एक एक के जो वो पैसे होते ना, ये है इतने सारे हैं बिल्कुल नए, उसमें से एक एक रुपए के, तो मैं इसको खर्च ही नहीं करती, ऐसे ही रखे रहते हैं। और ना फुलाना नहीं है, अब इसके कम करो, उसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। अच्छा इसको ऐसे टाल दो, ये वाला लेके जाएंगे छोटा सा, इसी में रख लेंगे। इसमें बस मोबाइल, हैंकी और मेरा थोड़ा बहुत कैश और कार्ड्स, यही सारे इसमें आ जाएंगे। तो ये रहा मेरा पर्स और एक सूट मैं ना निकाल के रखने वाली हूँ, ये पहन के जाऊंगी, तो इसको भी एक साइड निकाल के रखना है। और बस मोटा मोटा सा सामान पैक हो गया है, ये दित्या पहन के जाएगी, इसके ऊपर कोई टॉप निकाल देंगे फुल वाला, क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों के ब्लैंकेट, बेडशीट, ये सारा भी एक बैग में रखना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल मोटा मोटा सा हो गया है, जो जो मिलता जाएगा उसको पैक करते जाएंगे। क्या हो रहा है, आओ आओ आओ, देखो ऐसे कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, ये क्या हो रहा है, आ जाओ यहाँ, क्या बोल रहा है, क्या आवाज कर रहा है, दिखाओ क्या आवाज कर रहा है, आ जाओ चलो आ जाओ। फर्स्ट टाइम पहनी है ये इसने आवाज वाले सूट, तो बड़ा एक्साइटेड हो रही है देखने के लिए, बता रही है उसको कैसा लग रहा है। हाय गाइस, हम लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए। के तारे लगा। तुमको नहीं होना इनकी चप्पल पहना दो यार, कौन सी है। सब लोग रेडी हो गए और बस अब हम लोगों को निकलना है। और ये मेरा सारा लगेज, सारा सामान मैंने बाहर ही निकाल लिया, अभी इसको जरूर तैयार करना। और रूम वगैरह भी थोड़े से साफ कर दिए हैं, सुबह चोरी हो सकता है। बार बार थोड़ी होगा चोरी, सब कुछ कंप्लीट है अब बस काफी टाइम हो गया है, 9:30 बजने वाले हैं।
बस निकलना है हम लोगों को। मिलेंगे अभी जाके ट्रेन में सीधा आपसे, फोन कर दें। हाँ, निकलने के बाद आ गए थे स्टेशन पे और यहाँ पे थोड़ा से टाइम ही मुझे खड़े हुए हुआ था, 10 मिनट 15 मिनट ही खड़े होना पड़ा था और ट्रेन आ गई थी। और क्योंकि आने में हो जाता है काफ़ी टाइम है, 10 बजे ट्रेन आती है, तो ट्रेन में जाते ही अंधेरा रहता है, तो वीडियो तो मैंने आगे की रिकॉर्ड नहीं की थी। और ये मॉर्निंग है, हम लोग बस पहुँचने वाले हैं, 11-12 बजे पहुँच जाते हैं झांसी। शो मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी और नेक्स्ट वीडियो देखना भूलिएगा मत। चलो तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने ससुराल वीडियो में। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।